आज हम इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 101 करने जा रहे हैं। सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन पीनल कोड कहता है, इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इन्यूमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉल्यूंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असेलेंट, बट डज एक्सटेंड अंडर the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death. तो section 101 कहता है कि किन अपराधों में बॉडी के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार करते हुए आप किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते हैं। तो इससे जो पिछला सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 100 में हमें बताया गया था कि किन परिस्थितियों में हम किसी दूसरे व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए। तो सेक्शन 100 में हमने पढ़ा था कि अगर आशंका है आपको कि दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपको आशंका है कि वह आपकी हत्या कर देगा, या आपको आशंका है कि वह आपको गंभीर चोट पहुंचाएगा, या फिर कोई बलात्कार करने के इरादे से हमला करता है, या फिर कोई अप्राकृतिक यौन को संतुष्ट करने के लिए हमला करता है, या फिर कोई किडनैपिंग या एबडक्टिंग करने के इरादे से हमला करता है, या फिर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन करने के इरादे से हमला किया जाता है, या फिर किसी के ऊपर एसिड फेंका जाता है या एसिड फेंकने का प्रयास किया जाता है, तो इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने शरीर की रक्षा करने के लिए दूसरे व्यक्ति की जान तक ले सकता है। तो यह हमने सेक्शन 100 में पढ़ा था। इन चीजों के अलावा अगर कोई दूसरा अपराध होता है तो सेक्शन 101 कहता है कि अगर वह अपराध जो आपके शरीर के खिलाफ किया जा रहा है, अगर वह अपराध सेक्शन 100 के अंतर्गत नहीं आता है, सेक्शन 100 में अभी जो हमने 6-7 चीजें पढ़ी, सेक्शन 100 के अंतर्गत अगर वह अपराध नहीं आता है, तो फिर आपको यह अधिकार नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति की जान ही ले लें। उदाहरण के लिए एक आदमी है, एक आदमी से आपका झगड़ा हो जाता है, आप अपनी बाइक पे जा रहे हैं, दूसरा आदमी सामने से अपनी बाइक पे आ रहा है, आपस में हल्की सी टक्कर हो जाती है, दोनों की कहासुनी हो जाती है और वो आदमी आपको थप्पड़ मारने लगता है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास कोई चाकू नहीं है, उसके पास कोई डंडा नहीं है और वह कोई जमीन से उठा के ईंट भी आपको नहीं मार रहा है, वह आपको थप्पड़ मार रहा है। तो आपके दिमाग में यह आशंका बिल्कुल भी नहीं है कि यह व्यक्ति मेरी हत्या ही कर देगा या यह व्यक्ति मुझे गंभीर चोट पहुंचा देगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ थप्पड़ मार रहा है। आपको ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो घूंसे मार रहा है, आपका दांत टूट जाएगा या कुछ और हो जाएगा। इन परिस्थितियों में आपको यह अधिकार नहीं है कि आप यह कहेंगे जी वो तो मुझे थप्पड़ मार रहा था, तो मैंने तो अपनी प्राइवेट डिफेंस के लिए, मैंने तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसकी जान ले ली। नहीं, आपको उसकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। जान लेने का अधिकार तभी है जब वह जो अपराध कर रहा है वह अपराध उन अपराधों में से एक होना चाहिए जो हमने सेक्शन 100 में पढ़ा है, सेक्शन 100 में से एक में वह होना चाहिए, नहीं तो आपको अधिकार नहीं है कि आप उसकी जान ही ले लें। अब जान लेने की तो अधिकार नहीं है, तो फिर आप अपने प्राइवेट डिफेंस में क्या कर सकते हैं? जान लेने को छोड़कर बाकी आपको सारे अधिकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, आप उसको सामान्य चोट पहुंचा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको जान लेने से पहले उठ जाना है। अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो ये नहीं कि आप कि मुझे तो ये आशंका नहीं है कि ये मुझे जान से मार देगा, या ये आशंका नहीं है कि ये तो गंभीर चोट पहुंचा देगा, या ये तो बलात्कार करने के इरादे से हमला नहीं कर रहा था, तो आप खड़े होकर चुपचाप कहेंगे कि हाँ ठीक है आप मेरे ऊपर हमला करो, आप मेरे ऊपर थप्पड़ मार सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है।
आपको अपने शरीर की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। आप अगर वो आपको थप्पड़ मार रहा है तो अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आप उसकी पिटाई कर सकते हैं, आप उसको डंडा मार सकते हैं, आप उसको लाठी मार सकते हैं, बस आपको उसकी जान नहीं लेनी है। तो यह सेक्शन 108 है। और जान लेने से पहले जो आप रुकेंगे, यानी जो आप उसको चोट पहुंचा रहे हैं, आप उसको डंडा मार रहे हैं, आप उसको थप्पड़ मार रहे हैं, आप उसको घूसा मार रहे हैं अपने सेल्फ डिफेंस में, वह सब भी उन प्रतिबंधों के तहत होगा जो हमने सेक्शन 99 में पढ़े हैं। तो सेक्शन 99 में हमने प्रतिबंध पढ़े थे कि अगर आपके पास इतना समय है कि आप पुलिस अथॉरिटीज की पुलिस अथॉरिटीज का सहारा ले सकते हैं तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप जाके सुरक्षा कर्मचारियों की सहायता ले सकें तो फिर ऐसा अधिकार आपके पास नहीं है। तो सेक्शन 99 में हमने इस तरह के कुछ प्रतिबंध पढ़े थे, आप सेक्शन 99 को एक बार दोबारा से देख लेना। तो उन प्रतिबंधों के तहत ही आपको अपनी प्राइवेट बॉडी का डिफेंस का राइट है। अगर वो आपको थप्पड़ मार रहा है तो जान तो नहीं लेंगे, लेकिन जो भी कुछ आप करेंगे वह भी आपको उन प्रतिबंधों के तहत ही करना है। अगर आपके पास राइट था, अगर आपके पास टाइम था पुलिस के पास जाने का, लेकिन आप अपने घर पे हाथ पे हाथ रख के बैठे गए, आप पुलिस के पास गए नहीं, वो एक घंटे बाद दोबारा आके आपको थप्पड़ मारने लगा और फिर आपने उठा के उसका हाथ तोड़ दिया या उसका क्या कहते हैं पैर तोड़ दिया, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो सेल्फ डिफेंस में किया था। अगर सेल्फ डिफेंस आपको तब अवेलेबल है जब आपके पास इतना राइट ही नहीं है कि आप अथॉरिटीज का सहारा ले सके, तो सेक्शन 99 के प्रतिबंध भी यहाँ पर लागू होंगे। तो यह था सेक्शन 101 इंडियन पीनल कोड। कल आऊंगा आपके सामने दोबारा इसी सेक्शन को लेकर इंग्लिश मीडियम में। खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आपका अपना एडवोकेट सुनील कुमार।